हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माई इंग्लिश क्लास होप यू ऑल आर फाइन एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउम्स दैट काउंटेबल नाउम्स आर द नाउंस दैट कैन बी काउंटेड जो नाउंस को हम काउंट कर सकते हैं ओके एंड अनकाउंटेबल नाउम्स आर द नाउंस डेट कैन नॉट बी काउंटेड मीन्स डिटेल अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट ओके So, today we are going to discuss exercise based on it on your book, page number 10. Excise number 1. Okay. Excise number 1 is fill in the blanks with much or many, a few or a little. Clear? Now, let's clear these words firstly much and a little. They both are for the quantity. Okay. ये दोनों हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं मच इफ द क्वांटिटी इज मोर एंड अ लिटल इफ द क्वांटिटी इज लेस ओके मैनी एंड अ फ्यू मैनी एंड अ फ्यू दे बोथ अस अबाउट द नंबर मैनी मोर अ फ्यू लेस इफ द थिंग इज लेस इन नंबर वी विल यूज अ फ्यू एंड इफ इट इज मोर देन वी विल यूज मैनी ओके First one is Richa ate so dash sweets and drank so dash juice that she is feeling sick. Sweets. Juice. Sweets we can count. So here we will use countable noun. Juice. Count kar satte? No. So it is uncountable. So here we will use. अनकाउंटेबल नाउन मैनी स्वीट्स एंड ड्रेंक सो मच जूस डैट शी इज फीलिंग सिक ओके वेंडी डिड नॉट ईट डैश राइस बट शी हैड डैश पूरी वेंडी ने क्या नहीं खाया है राइस ज्यादा राइस नहीं खाए हैं उसने बट उसने क्या खाया है पूरी तो क्या आएगा राइस काउंट कर सकती हो राइस को नो दैट मीन्स सिंगल सिंगल यू कैन काउंट बट एज अ होल एज अ होल अगर आपको काउंट करने के लिए बोला जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल सो वी मेजर इट इन क्वांटिटी उसकी मात्रा देखते हैं केजीज में देखते हैं उसको ओके okay? सो so, क्या आएगा मच राइस बट शी हैड मैनी पुरीज ओके लास्ट वीक वी हैड डैश रेन अगेन रेन रेन को नहीं काउंट करते ना सो मच रेन एंड सो मैनी पावर कट्स पावर कट्स इसको तो काउंट कर सकते हैं ना हम सो मैनी पावर कट्स नेक्स्ट इज आई डोंट हैव डैश मनी जस्ट डैश टू बाय डैश थिंग्स नाउ हियर आई डोंट हैव डैश मनी 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 को काउंट कर सकते हो आप Yes, you can count. But kya aap aise bol one money, two money. No. So let's clear it. Money is an uncountable noun. This is because we can't say one money, two money, etc. Yes, it is true that we can count money in the sense that we can say one dollar, two dollars, etc. Means आप ये नहीं बोलते हो वन मनी टू मनी आप क्या बोलते हो वन डॉलर टू डॉलर और वन रूपी टू रुपीज सो हम मनी को काउंट नहीं करते हैं रुपीज को काउंट करते हैं करेंसी को काउंट करते हैं सो आई डोंट हैव डैश मनी मनी क्या हो गया अनकाउंटेबल आई डोंट हैव मच मनी जस्ट थोड़े से हैं थोड़ी सी चीजें खरीदने के लिए थोड़ी सी क्या है यहाँ पे मनी अ लिटल टू बाय थिंग्स काउंटेबल अ फ्यू ओके अ फ्यू थिंग्स वी मस्ट नॉट हैव डैश बटर 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 को भी काउंट नहीं कर सकते ना हम उसकी क्वांटिटी को ही देखते हैं सो मच बटर वी मस्ट नॉट हैव टू मच बटर और टू dash potatoes potatoes we can count many okay too many potatoes okay i hope it is clear to you all thank you students